मशीन लेनी रहती है तो हम गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, जो सबसे पहला नाम आता है वो किसान इंजीनियरिंग का नाम आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि सीलिंग फैन वेंडिंग मशीन बनाती है। तो उसका एक मॉडल जो है KIJ 123 हमारे पास आया है। तो इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करके बताएंगे और साथ दोस्तों साथ में ये बताएंगे कि मशीन के साथ हमें क्या क्या पार्ट्स मिलता है। तो गाइस ये 2021 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। और दोस्तों ये किसान इंजीनियरिंग क्या होता है ना कि अपने समय में आते आते मशीनों को अपग्रेड करते रहते हैं और मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मशीन जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करके बताएंगे और दोस्तों साथ में इसका पूरा आपको क्या क्या पार्ट्स में मिलता है, कौन कौन सी डाइयां आती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो पैकिंग है काफ़ी अच्छा पैकिंग रहता है, काफ़ी मजबूत पैकिंग रहती है। तो आप देख सकते हैं, चलिए इसको अब खोल के हम देखते हैं। तो इसकी सब सारी पैकिंग हम काट लेते हैं दोस्तों और बॉक्स को हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग जो थर्माकोल की पैकिंग रहती है काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी और काफ़ी अच्छे से पैक किया जाता है कि मशीन में कोई हमारा फॉल्ट नहीं है। तो चलिए प्लास्टिक को हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर थर्माकोल को निकाल के देखते हैं कि मशीन हमारा कैसा देखने को मिलता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि गत्ते को हम ऊपर उठा लेंगे, इसे से भी खोल लेते हैं और गत्ते को हम इसको फुकते को भी निकाल लेते हैं और इसको नीचे से गत्ते से क्या होगा, गत्ते से हम निकाल लेते हैं इसको। तो चलिए गत्ते को हमने ये देख सकते हैं बाहर निकाल लिया है और देख सकते हैं फर्मा, ये आप जो थर्माकोल आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग की गई है। तो चलिए अब मशीन को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक इसका मशीन को देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों। सामने देख सकते हैं हमारे दुकान का नाम जो कि आर एस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, जो कि नाम भी लिखा हुआ है। आप भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं, अगर आपको मशीन मंगवानी है तो आप भी कंपनी में अपना नाम भेजिए और कंपनी में आपका नाम ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए मशीन को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने बाहर निकाल लिया। तो गाइस जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी ये मशीन की लुक है और काफ़ी अच्छी दिख भी रही है और सोचते किसान इंजीनियरिंग की काफ़ी अच्छी ये वेंडिंग मशीन बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मशीन आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या क्या सामान मिलते हैं, सारा सामान हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जितने भी सामान मिलता है उसको हम यहाँ ऊपर हमारा ये रहता है बहुत अच्छे से इसकी पन्नी में हमें करके दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो भी सब इसको निकाल ले रहे हैं, हमारी कीप जो स्टैंड कीप सब रहती है। तो चलिए दोस्तों सारे सामानों को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको और जानकारी पूरी जानकारी आपको मशीन की हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो ये सारा सामान हम एक एक करके बाहर निकाल ले रहे हैं और इस हफ्ते को साफ़ कर देंगे। तो गाइस ये सारा सामान आप देख सकते हैं हमारा जो ये उसमें ये है दिया गया हुआ है, हमारी डाई यहाँ दिया डाई दी गई है, लेदम पत्ती है हमारी लेदम पत्ती जो कि साइड में लगेगा और ये हमारी मल्टी डाई है और अगर हम मास्टर डाई आप मंगाएंगे तो मास्टर डाई है और उसके बाद ये जो होता है इसका स्टैंड होता है नीचे लगाने के लिए। तो चलिए सब पूरा अभी हम फिटिंग करके आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ हमारा जो हमारा लेदम पत्ती है ये हमारा यहाँ हमारा जो लेदम पत्ती होगा हमारा यहाँ पर लगेगा। तो आपको किस तरह से लगाना है अभी वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको नेट को हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हमने खोल लिया है देख सकते हैं। अब इसमें हम लेदम पत्ती लगाएंगे और लेदम पत्ती लगा के आपको दिखाते हैं। तो लेदम पत्ती दोस्तों हम इस तरह से रखेंगे और लेदम पत्ती को कुछ इस तरह से हम लगाएंगे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेदम पत्ती हमारी लगेगी। तो अभी हम इसमें नेट लगा के और टाइट कर दे रहे हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी मॉडल आते हैं मशीन, आपको काफ़ी मॉडल की मशीन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। मशीन के साथ कंपनी 7 साल की वारंटी देती है। तो गाइस अब चलिए इसको टाइट हो रहा है। तो सबसे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपको कुछ दिनों में आपकी इसका वायर सेटअप का वीडियो भी मिलने वाली है दोस्तों। हम बताएँगे कि इस मशीन से आप एक अच्छी वेंडिंग कैसा कर सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर लेदम पत्ती लगा दिया है और इसको पूरा नेट को हम कस लेते हैं।
तो ये देख सकते हैं हमारा जो लेंदम पत्ती है ये हमारा लग गया, और ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे ये आपको दिखा देते हैं कि इस पॉकेट में हमारा कीप मिलता है। ये कीप देख सकते हैं, कीप हमारा यहाँ लगेगा। जो हमारा वायर पास होता है तो कीप इसलिए लगाया जाता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए, मतलब वायर जब गुजरता है तो इसमें कोई स्क्रैचेस ना आए, इसीलिए हमें ये कीप लगाना रहता है। तो इस कीप को हम लगा ले रहे हैं, इसमें कस दे रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको एक कीप को लगा देना है। तो ये सामान हमें मिलता है काफ़ी अच्छा, ये हमें किसान इंजीनियरिंग में सबसे अच्छी चीज़ हमें यही देखने को मिली। इसकी जो रेंडम पत्ती बनाई गई है काफ़ी अच्छी बनाई गई है। तो अब इसके बाद दोबारा हम जो हमारी डाई लगती है वहाँ पे हमें एक स्टैंड जो होता है हमारा, ये देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैंड लगाएंगे। तो स्टैंड लगाने के लिए दोस्तों आपको ये पेच को आपको खोल लेना है, दोनों पेचों को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद स्टैंड आपको रख देना है, और रखने के बाद आपको फिर पेचों को कस देना है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमने इस पेच को खोल लिया है। दोस्तों अगर आपको ये मशीन अच्छी लगती है तो आप डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कंपनी का नंबर है, रेड कंपनी से आप बात कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये स्टैंड है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पेज को जो निकाला था हम यहाँ पे इसको कस दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने ये पेज को कस लिया है, अब हमारा ये कम्प्लीट हो गया है, ये सेटअप हमारा कम्प्लीट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आगे क्या हमें करना है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा ये नेट भी ढीला होता तो इसको हम कस ले रहे हैं बराबर से, और ये मशीन देख सकते हैं हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आपको भी ऐसे कंप्लीट करना है, अगर आप ये मशीन परचेज करते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। अभी देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो ये यहाँ पे ये देख सकते हैं ये चीज़ हमारा यहाँ पे लगेगा, जो कि हमें हमारा स्टेटर जो खींचने के लिए होता है, तो इसको हम अभी इसको यहाँ से लगा दे रहे हैं, और लगाने के बाद हमें इसको कस दे रहे हैं। तो ये देखते हैं ये मेरा ये भी हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कस दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा चलिए अब हम डाई की तरफ चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं 12 14 16 की हमारे कंपनी के साथ अगर आप मल्टी डाई मंगवाते हैं तो 12 14 16 की मिलती है। और देख सकते हैं जो 12 14 16 लिखा हुआ है ये लेज़र से लिखा जाता है दोस्तों, ये कभी मिटलता नहीं है। तो आप ऊपर की तरफ जो देख सकते हैं वो स्टार्टिंग की डाई है, और ये 12 14 और 16 की, और नीचे की तरफ जो देखते हैं ये रनिंग की डाई है 12 14 और 16 की। दोस्तों ये स्टैंड स्टील से बनाया गया है, ये सारे पार्ट जो भी लगे स्टैंड स्टील से बनाया गया है। डाई भी इसकी स्टैंड स्टील 304 से बनाया गया है, इसमें कभी जंग नहीं लगता है। अब चलिए दोस्तों ये मास्टर डाई देख सकते हैं। किसान इंजीनियरिंग की एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो इनकी मास्टर डाई है, काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलती है, हैवी मास्टर डाई रहती है। और इसमें देख सकते हैं कि ये बनावी जो हमारी है ये स्टार्टिंग की है, और ये जो डाई है ये हमारी रनिंग की डाई है। और दोस्तों काफ़ी इसमें हमें अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी हैवी ड्यूटी में हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों कंपनी हमें क्या एक सेंसर भी अलग से प्रोवाइड करवाती है, या अगर आपका सेंसर ख़राब हो जाए तो कंपनी ये प्रोवाइड कराती है ताकि आप इसको लगा सकें। वैसे कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं होता है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा वारंटी देती है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा जो मशीन के नीचे लगाने के लिए है, तो अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हम नहीं लगाते हैं। और दोस्तों अभी मशीन को हम चालू करके दिखाते हैं। तो चालू करने के लिए आपको ये देख सकते हैं ये हमें घुमाना होगा इस तरह से, और ये हमारा मशीन चालू हो जाएगा। तो ये मीटर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मीटर है इसमें, और इसमें सारे मोड हमारे दिए गए हैं, और इसमें देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन का ये वोल्ट मीटर हमारा लगाया गया है जो कि 255 वाट बता रहा है। और भी मशीन को हम चला के भी दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मशीन देखने के, इसमें लुक देख सकते हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों ये मशीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें एक चीज़ क्या है कि ऑटो ब्रेक सिस्टम भी लगाया गया है। ये 200 टन हमारा सेट है तो 201 पे हमारा ये रुक जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं इसमें 200 है तो 203 पे हमारा रुक गया।
ये इसमें पावर ब्रेक सिस्टम लगाया गया है। अब 200 मीटर के बारे में जानकारी दे देते हैं, तो ये मिक्सर देख सकते हैं किसान इंजीनियरिंग की तरफ से देखने को मिलता है जिंद हरियाणा। ये हमारा मोड जो है, जो कि ये लाइट हमारी होती है मोड, जो रिवर्स फारवर्स होता है वो मोड को चेंज करने के लिए, और ये हमारा मशीन रिवर्स और फारवर्स चलाने के लिए हमारा दो दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं टर्न्स जो होता है हमारे बढ़ाने और घटाने के लिए हमारा टर्न्स दिया गया है। और उसके बाद देख सकते हैं ये यहाँ से हमारा मशीन स्टाफ, यहाँ से भी हमारा स्टाफ हो जाएगा, ये मशीन हमारा यहाँ से दबाने स्टार्ट। और ये जो मीटर जो टर्निंग चलता है रिसेट करने के लिए हमारा ये स्विच हमारा दिया गया है। और दोस्तों अभी हम आपको और भी जानकारी आपको देते हैं कि मशीन में जो पुराना ओल्ट मीटर रहता था, ये देख सकते हैं ये भी मशीन चलाने के लिए हमारा है, रिवर्स फारवर्स चलाने के लिए दो बटन हमारे दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों ओल्ड मीटर नए वर्जन में हमारा लगाया गया है, यहाँ से मशीन हमारा ये देख सकते हैं स्टार्ट होगा और इसको प्रेस करने से हमारा बंद हो जाएगा, और ये भी हमारा स्टॉप वाली बटन। किसान इंजीनियरिंग की सबसे पहली खासियत ये जो उन्होंने लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया है, सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जो हमारा RS इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल का नाम है और हमारा ये नाम लिखा हुआ है साजिब रिजवी। अगर ये मशीन आप परचेज करते हैं तो आप भी नाम ऐसे लिखवा सकते हैं। और दोस्तों इसका लुक देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका लुक है, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका ये लुक देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक है। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको वायर सेटअप, मल्टी डाई और मास्टर डाई की दोनों की अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे। तो अगर आपके पास मास्टर डाई मंगवाते हैं तो उसका वायर सेटअप कैसा होता है, मल्टी डाई मंगवाते हैं तो उसका वायर सेटअप कैसा होता है, उसकी दोनों की वीडियो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अभी दोस्तों का शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।